Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. I am Wajiha from Investor Point. आजकल जो एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, मैंने सोचा कि उसके बारे में क्यों ना वीडियो बनाई जाए, क्योंकि पहले जितनी भी मेरी वीडियोस बन चुकी हैं वो या तो साइट ऑफिस की साइट की ही होती हैं तकरीबन. तो आज मैंने अपने स्टूडियो में वीडियो बनाने का बारे में जो सोचा वो इसलिए कि इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाए और आप लोगों को सही चीज़ बताई जाए. ऐसी बात हो ऐसी जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ पता चलती थी, तो आज उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाना चाहिए. तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरे बात करने के लिए आपके पास आपसे जो बात करनी है मुझे, वो ये है कि हमने अभी पता हमें कुछ वक्त से पता चला है कि रमज़ान में ही माशाल्लाह से पीएम इमरान खान ने इनॉग्रेशन किया है मार्गला हाईवे का, मार्गला एवेन्यू का. तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए कि एक्चुअली वो कहाँ, मार्गला एवेन्यू स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ पर ख़त्म होता है और उसके बीच में कितने सेक्टर्स आते हैं. तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन बताने के लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनानी ज़्यादा अच्छी है, ताकि आप लोगों को वो लोग जिनके प्लॉट्स हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, क्योंकि मार्गला एवेन्यू छोटा नहीं बन रहा, काफ़ी उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ताला जल्द ही वो कंप्लीट भी हो जाएगा और इससे आवाम को बहुत फ़ायदा होने वाला है. जो हैवी ट्रैफिक है, जो नॉर्मल ट्रैफिक है, मतलब जितने भी कनेक्टेड ट्रैफिक्स वगैरह की मसला भी है जिनके साथ है, जो रोड्स जहाँ पर रोड्स वगैरह इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए मार्गला एवेन्यू एक सबसे अच्छी बड़ी खुशखबरी है. बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा दूर ड्राइव पर थे और बहुत मुश्किल और थका देने वाला सफ़र होता था. तो आज मार्गला एवेन्यू का जब से इफ्तिताह हुआ है, लोगों को इस बात की तसल्ली हो गई है कि इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में जब ये इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, तैयार हो चुका होगा, ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा, दैन फिर हम इंशाल्लाह ताला एक अच्छे सफ़र की जानिब रवां दवा होंगे. तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि 19 अप्रैल 2021 को रमज़ान में पीएम इमरान खान ने इसका इनॉग्रेशन किया था, मार्गला एवेन्यू का. और मार्गला एवेन्यू अब स्टार्ट कहाँ से होगा तो इसके बारे में पता होना चाहिए. अच्छा, ये स्टार्ट जो है वो संगजानी टूल प्लाजा से हो रहा है और जो B17 के करीब ही है. तो जिन लोगों का प्लॉट्स थे या जो लोग अभी प्लॉट लेकर सोच रहे थे कि अभी घर बनाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा इस्लामाबाद से, तो उनके लिए हार्डली 10 से 15 मिनट्स की ड्राइव रह जाएगी इन इस्लामाबाद से संगजानी टूल प्लाजा के करीब तक. तो एक तो ये बात हो गई. एक है कि हम अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताती जाऊंगी कि इसके बाद कौन कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से सेक्टर्स आपको मार्गला एवेन्यू के करीब करते हैं, मार्गला एवेन्यू जो है वो उसके करीब से गुजरेगा. ठीक है, तो एक तो संगजानी टूल प्लाजा के करीब से स्टार्ट हो रहा है. सेकेंड ये है कि वहाँ पर C16 जो कि CDA सेक्टर है, मार्गला हिल्स के करीब है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, C15, C14 एंड D14, तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं CDA सेक्टर्स इसके बाद वन बाय वन स्टार्ट हो रहे हैं और ये सारे तकरीबन कनाल के प्लॉट्स हैं, वहाँ पर सारी कनाल की कटिंग है. अच्छा, अब इसमें और मार्गला हिल्स का खूबसूरत व्यू भी है. साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, इसके बाद जो आता है D13 और ये सेक्टर्स साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए मतलब हद से ज़्यादा 10 से 15 या 20 मिनट्स की ड्राइव रह जाती है और आप ईज़िली इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं. और D14 के बाद D13 है और E13 है, और D13 के 2 और 3 सब सेक्टर के साथ ही ये जो है मार्गला एवेन्यू गुजरेगा. तो मार्गला एवेन्यू की जो सबसे ज़्यादा मतलब उन लोगों को भी खुशी हुई है जिन लोगों के करीब के प्लॉट्स हैं 2 और 3 में, D13 के 2 और 3 में प्लॉट्स हैं, तो वो उन लोगों को समझ लगता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है. हमारे जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट हमें एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट हमें देगी. D13 जो है हमारा एक अभी नॉन पोजेशन सेक्टर है और ये सेक्टर जो आप इसमें अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मार्गला हिल्स के बीच में है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लोकेशन है. और इंशाल्लाह ताला जब ये मार्गला एवेन्यू का इफ्तिताह हो गया है और ये स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे D13 को तो फ़ायदा होगा,
इसके अलावा D12 को फ़ायदा होगा क्योंकि D12 की बैक से जहां पर पोजेशन है ऑलरेडी लोगों के घर बने हुए हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत CDA सेक्टर है, तो वहां के उसे भी ये गुजर रहा है और ये भी मार्गला हिल्स के बीच के सामने लगता है D12, और इसके जो 2 और 3 सेक्टर है वो मार्गला व्यू मार्गला एवेन्यू को टच करेगा। तो आपका आई थिंक मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक पता चला होगा कि आखिर इसका रूट कहाँ पर है। सो दैट इसके बाद मार्गला एवेन्यू यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी आगे जो है वो E12 आता है जो D12 के बिल्कुल पैरेलल है, हालांकि मार्गला एवेन्यू उसको टच नहीं करता लेकिन D12 साथ ही CDA सेक्टर है और ये दोनों एक पैरेलल चल रहे हैं, तो इससे फ़ायदा E12 को भी हुआ है। मार्गला एवेन्यू के अलावा इसमें मार्गला रोड हमारा है वो E11 और E12 के साथ साथ चलता है और इसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त भी मिली है और इसमें सेल परचेज भी काफ़ी चल रही है। इसके अलावा डेवलपमेंट पे तो हम काफ़ी सारी वीडियोस भी बना चुके हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, और अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। देन इसके अलावा मार्गला एवेन्यू जो है वो इख्तिताम होता है तकरीबन, ख़त्म तो खैर कोई भी रोड नहीं होता लेकिन ये है कि मार्गला एवेन्यू जो है वो किसी जगह पर कनेक्ट हो जाएगा दूसरे रोड से, तो वो ये है कि इसमें आप KPK तक जा सकते हैं और इसके 17 मील पे जाके ये एंड हो जाता है मार्गला एवेन्यू। एंड दूसरी बात यह है कि इसके 2 बेनिफिट्स हैं कि आप मरी जाना चाहें या फिर KPK, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट वे है कि आपको हैवी ट्रैफिक का देखना नहीं पड़ेगा, मुश्किल नहीं होगी और इजीली आप KPK की साइड पर जा सकते हैं या मरी की साइड पर जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो रोड बनाया गया है इंशाल्लाह ताला ये हम सब के लिए ही, और वो लोग जिन्होंने इन CDA सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है और वो लोग जो CDA सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो भी लोग जिन्होंने इन्वेस्ट करके अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि पता नहीं अभी क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी अपकमिंग CDA सेक्टर्स हैं जिनके बारे में बताया तो जाता है लेकिन फिर लोग डर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है अभी तो क्योंकि जिन सेक्टर्स के पास से रोड नहीं गुजरता तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है। वहाँ मुश्किल इसलिए हो जाती है कि जाहिर सी बात है कि एक्सेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, और हमारे जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स वगैरह तो वहीं रह जाएंगे, और इसके अलावा जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक बहुत अच्छे बहुत ही ब्रॉड सेक्टर को उन्होंने सेक्टर्स को उन्होंने इसे कट कर देना एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे रोड का इफ्तिताह किया है। तो हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं PM इमरान खान के, और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आपको मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी जो मैंने डिस्क्राइब किया, और इन केस अगर आपको मेरा डिस्क्राइब करना समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा होगा। हमारे जितने भी एजेंट्स हैं जो वीडियोस बनाते रहते हैं प्लीज़ उनकी वीडियोस को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।